डिप्रेशन के लिए थेरेपी ले रहे हैं जस्टिन बीबर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पॉप स्टार जस्टिन बीबर इन दिनों डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वो इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। जस्टिन के एक करीबी सूत्र ने बताया, जस्टिन ने एक प्यारे से बच्चे के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आता था, लेकिन अब फेम ने उसे पूरी तरह बदल दिया है। जस्टिन ने हाल ही में एक अंग्रेजी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने नए रिश्तों के साथ ही मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात की थी। जस्टिन ने कम उम्र में मिले फेम और खुद पर हुए उसके प्रभाव के बारे में कहा, 13 साल की उम्र में ही मुझे सफलता मिल गई थी, इसलिए मुझे अपने आप को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला। म्यूजिक में बिजी होने के कारण मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ जैसे सवालों का जवाब ढूंढने का समय मुझे नहीं मिला। कैंसल कर दिए थे 14 शो। जस्टिन ने 2017 में हुए अपने टूर पर्पस के बारे में भी बात की, जब उन्होंने 40 देशों में 150 से ज्यादा परफॉर्मेंस देने के बाद आखिरी 14 शो कैंसल कर दिए थे। उन्होंने कहा, मैं टूर के समय अवसाद में आ जाता हूँ, मैंने इस बारे में अब तक बात नहीं की, उस समय मैं बहुत अकेला था और मुझे थोड़ा समय चाहिए था। जस्टिन ने आगे बताया, हम दोनों में से मैं भावनात्मक स्तर पर थोड़ा अस्थिर हूँ, मुझे शांति के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी ज्यादा चिंता करता हूँ और चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और लोग मुझे पसंद करें, जबकि हैली बहुत समझदार है। नई शादी नहीं है कारण। जस्टिन से जुड़े एक अन्य सूत्र ने बताया कि जस्टिन की स्थिति को नई शादी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हैली के साथ शादी करके जस्टिन बहुत खुश हैं। जस्टिन के आसपास मदद करने वाले लोग हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जस्टिन बीबर और हैली बाल्डविन ने सितंबर 2018 में न्यूयॉर्क में शादी की थी। खबरें हैं कि वे जल्द ही अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक और वेडिंग सेरेमनी आयोजित करने वाले हैं।